तो आइए बात करते हैं ऐसी पांच टिप्स के बारे में जिसकी मदद से डायबिटीज के पेशेंट को पता चलेगा कि उनका डाइट सही है कि नहीं। आइए शुरू करते हैं ईटिंग राइट फॉर डायबिटीज। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर स्मिता पटेल फ्रॉम डॉक्टर पटेल्स होम्योपैथिक मेडिसिन लिमिटेड। क्या आपको डायबिटीज है या आपके किसी फैमिली मेंबर को या फ्रेंड को डायबिटीज है तो ये वीडियो आपके लिए है। डायबिटीज के लिए हमको पता ही है कि डाइट का इम्पोर्टेंस कितना है, सही डाइट लेना कितना जरूरी है, पर हमारा डाइट सही है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा। टिप नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट मैनेजमेंट। जब भी किसी को डायबिटीज होता है तो सबसे पहला डाइट में जो चेंज आता है वो होता है शुगर का कंट्रोल। पर क्या आप जानते हैं कि यदि आप व्हाइट शुगर बिल्कुल भी नहीं ले रहे हो तो भी आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। यदि आपका कार्बोहाइड्रेट पोर्शन जो बढ़ता है, कार्बोहाइड्रेट का क्वांटिटी बढ़ता है तो भी आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि आपकी रोटी, राइस, पोटेटो, फ्रूट्स, ये सब कुछ कार्बोहाइड्रेट में आता है। तो आइए जानते हैं कि आप अपने कार्ब्स को डायबिटीज में कैसे खा सकते हैं। तो डायबिटीज में आपको चाहिए कि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब खाएं। कॉम्प्लेक्स कार्ब यानी कि जिसमें फाइबर्स का कंटेंट ज्यादा हो, जैसे कि मिलेट्स। फिर जो राइस आपको खाना है तो आप खाइए रेड राइस या ब्राउन राइस। आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं जिसमें काफी मात्रा में फाइबर्स होता है। फ्रूट्स यदि आपको खाने हैं तो एप्पल, पेयर, ऐसे फ्रूट्स उसकी छिलके के साथ में खाइए। तो ये सब धीरे धीरे करके आपका शुगर लेवल बढ़ा सकते हैं जिससे आपका शुगर का फ्लक्चुएशन बहुत जल्दी नहीं होता है। टिप नंबर 2, पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल यानी कि खाने की मात्रा आपको एक साथ में कितनी खानी चाहिए। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए शुगर का जो फ्लक्चुएशंस यानी कि अप एंड डाउन जो होता है वो ज्यादा होना हेल्थ के लिए नुकसानकारक होता है। तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा थोड़ा करके खाना खाएं, एक साथ में बहुत ज्यादा खाना नहीं खाएं। जैसे कि सुबह में नाश्ता हो गया, फिर थोड़ा मिड मॉर्निंग में कुछ ले लीजिए, थोड़ा सा फ्रूट या ड्राई फ्रूट जैसा, फिर लंच में थोड़ा सा खाना खाइए, फिर शाम को नाश्ता कीजिए, फिर अगेन थोड़ा खाइए और फिर डिनर कीजिए। तो ऐसे जो पोर्शन का कंट्रोल है उससे भी आप शुगर के फ्लक्चुएशंस को काफी हद तक कम कर सकते हैं। टिप नंबर 3, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट तो सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो उसमें आपको चाहिए कि आपका जो डाइट है उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी के हिसाब से मिलने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का तो जैसे हमने आगे देखा कि ध्यान रखना है, देन ऑल्सो उसको अवॉइड नहीं करना है। कार्बोहाइड्रेट भी उसके जो बॉडी को चाहिए उतनी अमाउंट में आप थोड़ा कम करके ले सकते हैं। तो अभी जैसे आपने कार्ब्स कम किया तो आप प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, उसके साथ में आप वेजिटेबल्स की भी मात्रा बढ़ा सकते हैं जिसमें से आपको फाइबर्स भी ज्यादा मिल सकते हैं। साथ में आप विटामिन्स और मिनरल्स का भी ख्याल रखिए क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट्स में विटामिन्स की डेफिशिएंसी काफी हद तक पाई जाती है। तो वो भी आपको डाइट में से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब खा के आप विटामिन की कमी को वो दूर कर सकते हैं। टिप नंबर 4, रेगुलर मॉनिटरिंग। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए शुगर का जो मॉनिटरिंग है, ब्लड शुगर लेवल का मॉनिटरिंग, वो रेगुलरली करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप रेगुलर मॉनिटर करके अपने डॉक्टर से रेगुलरली फॉलोअप में रहिए, उनको दिखाइए अपने ब्लड शुगर लेवल के रिपोर्ट्स, तो ही पता चलेगा कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है कि नहीं। एवरी 3 मंथली भी जो आपका शुगर का एवरेज रहता है, HbA1c करके एक रिपोर्ट आता है, वो भी आपको रेगुलरली करवाना चाहिए। टिप नंबर 5, फिजिकल एक्टिविटी। शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल है एक्सरसाइज का। यदि रेगुलरली आप 30 या 40 मिनट्स की एक्सरसाइज करते हैं तो शुगर लेवल को काफी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं। स्टडीज में भी देखा गया है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनका शुगर लेवल का कंट्रोल, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं उन लोगों से काफी अच्छा होता है। आप अपनी कोई भी पसंदीदा एक्सरसाइज, चाहे वो स्पोर्ट्स है या स्विमिंग है या डांस है, कुछ भी कर सकते हैं। और साथ साथ में योगा और मेडिटेशन भी अवश्य कीजिए जिससे आपका स्ट्रेस मैनेज करने में भी काफी हद तक फायदा मिलेगा। तो ये है ऐसी 5 टिप्स जिसकी मदद से आप अपने शुगर लेवल को
काफी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं और डायबिटीज के साथ भी आप अपनी हेल्दी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। याद रखिए, डायबिटीज के मैनेजमेंट के लिए सही आहार का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप मेरी ये 5 टिप्स को फॉलो करके डायबिटीज में शुगर का कंट्रोल काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। आशा रखती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।